फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेक्निक कंसल्टेंसी। पाइथन फॉर डेटा साइंस में हम आज देखने वाले हैं कि हाउ टू सेटअप द एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करें। सो, हम काम करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक में। सो, जुपिटर नोटबुक एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपना लाइव कोड शेयर कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, डेटा को क्लीन कर सकते हो, उसको विजुलाइजेशन कर सकते हो, कोई स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हो या फिर मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ओके, सो जुपिटर नोटबुक हम यूज़ करने वाले हैं विद द यूज़ ऑफ एनाकोंडा टूल। तो सबसे पहले हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं कि एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करें। ओके, सो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाओ एंड सर्च करो एनाकोंडा डाउनलोड। सो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी anaconda.com। सो उस पर क्लिक करो और आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे फॉर विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स। सो आपका जैसा भी ओएस हो आप उस तरह से एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका 64-bit का हो तो आप वो इंस्टॉल करो, ठीक है। सो मेरा अभी विंडोज 64-bit है, सो मैं ये इंस्टॉल कर रही हूँ। सो आप सिंपली उस पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा एंड सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी एनाकोंडा इंस्टॉल करके रखा है तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। ओके, आपका एनाकोंडा डाउनलोड हो जाने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर दो। नाउ अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सर्च करो एनाकोंडा, तो आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, राइट। सो आपको क्लिक करना है एनाकोंडा नेविगेटर पे, ठीक है ना। आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो, ये है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सिंपली हमारे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा है। ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मतलब एनाकोंडा का कमांड प्रॉम्प्ट है। तो वहाँ यहाँ से आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको क्लिक करना है एनाकोंडा नेविगेटर पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एनाकोंडा टूल खुल जाएगा इस तरह से, स्क्रीन में जैसे दिख रहा है उस तरह से। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो नोटबुक है, जुपिटर लैब है, स्पाइडर है, आर स्टूडियो, बहुत सारे ऐसे। सो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दिस जुपिटर नोटबुक। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस लॉन्च बटन पे क्लिक करना है या सो, जैसे ही आप इस लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे थोड़ी देर बाद कोई भी ब्राउज़र पे इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ये है जुपिटर का डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड क्या है, आपके सी ड्राइव में से आपका जो मेन फोल्डर होता है उसका दिखता है। ओके, मैं आपको दिखा दूँ वो कैसा होता है। ओके, आप सी फोल्डर में जाओ, ओके सी ड्राइव में जाते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर, देन ये जो आपको दिख रहा है ये है डैशबोर्ड जुपिटर का, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वही आपको वहाँ पे दिखेगा। सो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे Python 3, पाइथन में काम करना हो, राइट, आपको टेक्स्ट फाइल बनानी हो, फोल्डर बनाओ, टर्मिनल पे काम करना हो, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें भी आप मल्टीपल फाइल स्टोर भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई फाइल अपलोड भी करनी हो तो आप यहाँ से उस फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। चले मैं अभी करती हूँ न्यू पे जाके Python 3। ओके, सो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, एक नोटबुक खुल जाएगी जो इस तरह से दिखेगी। तो ये है हमारी जुपिटर नोटबुक। जैसे यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो, उसको रन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आपको अपने डेटा के साथ कुछ भी करना हो वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चले अब हम देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे जो दिख रहा है वो है सेल, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो एंड उसको रन कर सकते हो। जो सबसे पहले देखते हैं फाइल, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आप सबसे पहले अगर नई नोटबुक बनानी हो तो न्यू नोटबुक के अंदर जाके आप Python 3 भी क्लिक कर सकते हो, और Python 3 पे क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। कोई पुरानी आप फाइल को ओपन करना हो तो आप ओपन से कर सकते हो। सेम आपको इसी फाइल को, इसी नोटबुक को एज इट इज़ कॉपी करना हो, डुप्लीकेट बनानी हो तो आप मेक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेव एज करना हो, उसको रीनेम करना हो, सेव करना हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउनलोड लिखा हुआ। डाउनलोड के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपको HTML में करना हो, नोटबुक में करना हो, PDF फाइल में, पाइथन में, बहुत सारे कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन है एडिट में, एडिट में आप अगर पर्टिकुलर सेल को कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, डिलीट, मर्ज, सारे ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। आप व्यू में भी बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो,
इंसर्ट में भी आप देख सकते हो, पर्टिकुलर सेल आपको नीचे या ऊपर इंसर्ट करना हो तो भी आप कर सकते हो। सेल के अंदर कौन सा सेल आपको रन करना है, या फिर सिलेक्टेड सेल रन करना है, या सारे सेल एक साथ रन करने, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, इन द कर्नल कैसा होता है कि कभी आप अपना डेटा रन करते हो और वो रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो आपको उसी टाइम उसको इंटरप्ट करना हो या फिर स्टॉप कर देना हो तो आप इंटरप्ट कर सकते हो। आप अपना पूरा कर्नल जैसे रीस्टार्ट करना हो तो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली रीस्टार्ट करके अपने पूरे आउटपुट को क्लियर भी कर सकते हो, या एक साथ रीस्टार्ट करके सबको एक साथ रन भी कर सकते हो। और अपने कर्नल को शट डाउन करना हो एंड रिकनेक्ट करना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और कर्नल हो, जैसे कि मेरे पास अभी पाइथन 3 है, जावास्क्रिप्ट है, अगर आपके पास आर हो तो आप आर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड आप पे आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो अपना सेव पॉइंट बना सकते हो। नया सेल जैसे ऐड करना हो तो आप इस प्लस बटन से नया सेल ऐड कर सकते हो। इस सेल को अगर डिलीट करना हो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एंड देन उसको मूव करना हो तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। इस सेल को जैसे आपको रन करना हो तो रन पे क्लिक करो, स्टॉप करना हो तो ठीक है, अब इसे रिस्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ड्रॉप डाउन के अंदर चार ऑप्शन है, कोड, मार्कडाउन, रो एंड डी कन्वर्ट एंड हेडिंग। तो आप इस पर्टिकुलर सेल को किस फॉर्मेट में, आप किस फॉर्म में चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा करंट सेल है वो किस फॉर्म में है, कोड फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी एंड देन रन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, कोड फॉर्मेट में। ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट में चेंज करती हूँ मार्कडाउन। तो अभी आप मार्कडाउन सिलेक्ट करके इसको रन करोगे तो सिंपली आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, अभी उसी को आप रो में दे दोगे तो आपको सिंपली ये रो फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, अगर आप इस सेल को एज अ हेडिंग बनाना हो तो आप हेडिंग में सिलेक्ट करके ओके करो ना, आप देख सकते हो सबसे बड़ा वाला हेडिंग दे देगा। अगर आप इसको छोटा हेडिंग बनाओ देन हैश हैश ऐड करते जाओ, ठीक है, ये छोटा बड़ा हो जाएगा, डिपेंड आप पे। ये काम करता है H1 से लेके H6 तक, जो नॉर्मल HTML फॉर्म में आता है वो वाली साइज यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हेडिंग फॉर्म में है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली, अगर आपको फाइल का आपको नेम देना हो तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन कोई भी फाइल का नेम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है file1 एंड देन रीनेम, सो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल का नेम भी दे सकते हो। ठीक है, एंड रही बात, ये ऑटो सेव है तो आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली अगर इसको काम करते करते भी बंद कर दोगे तो ये ऑटो सेव्ड हो जाएगा। सो गाइज, ये था सेटअप एंड जुपिटर नोटबुक का इंट्रोडक्शन। ओके, सो अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दी पाइथन। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।